हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज 8 अक्टूबर है, दशहरा है, हैप्पी दशहरा। जो अपडेट लेके आया था निफ्टी 50 पे लेके आया था। निफ्टी 50 11126 पे क्लोज हुआ है, बेरिश सिग्नल है। और फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि ये बेरिश सिग्नल ही आपको रखे, बट 10800 पे बहुत अच्छा स्टॉक सपोर्ट है। तो 11000 पहला सपोर्ट लेगा, वो 11000 तोड़ता है तो 10800 तक जा सकता है। तो अभी जब तक रिजल्ट है, रिजल्ट खराब आने वाले हैं कंपनियों के, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि आपको एक बार ये 15 तारीख तक नीचे की ओर आपको पैटर्न बना सकता है, बट अल्टीमेटली फिर उसके बाद वहां से ऊपर की ओर जा सकता है। अभी बेरिश सिग्नल दिख रहा है, 32 डिक्लाइन है, एडवांसेस 17 है, और जो यस बैंक, जेल जी इंटरटेनमेंट, ब्रिटानिया एक्सिस बैंक, नेसी गेनर के रूप में है, लूजर के रूप में बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू, एनजीसी, अल्ट्राटेक, और सिप्ला है। चार्ट पे भी देखने की कोशिश करें तो चार्ट पे भी यहाँ कहीं ना कहीं ये जो डेली बेसिस पे देखेंगे तो 200 पे डेमा पे जा करके, यहाँ पे जो 200 डेमा के आसपास जा करके 111 115 पे डेली बेसिस पे सपोर्ट तो लिया है, बट वीकली बेसिस पे ये हो सकता है कि जब वीकली बेसिस पे जाके इसको चेक करें तो ये कहीं ना कहीं ये जो है 50 डेमा को क्रॉस कर चुका है और 100 डेमा की 11 10834 की ओर जाता हुआ दिखता है। और यहाँ पे अगर 5 आवर्स पे भी देखें तो 5 आवर्स में एमएसडी लाइन जो है क्रॉस ओवर कर रही है निगेटिव की ओर, तो एमएसडी लाइन भी निगेटिव है और यहाँ पे डाउन की ओर क्रॉस कर रही है। और चूंकि ये एक लेवल था 11310, ये टूट चुका है, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट लेना था, नहीं लिया और नीचे की ओर चला गया है। तो अब ये वापस तभी स्ट्रांग होगा जब 11310 को क्रॉस करेगा। तो 11300 के स्टॉप लॉस से आप चाहें तो इसमें शॉर्ट की पोजीशन में बने रह सकते हैं, 10800 का आपको टारगेट भी मिल सकता है। एफआईडीआई के बारे में देखें तो एफआई जो है क्या सेगमेंट में सेल तो कम कर रही है, बट अभी सेल ही हो रहा है, 494 करोड़ का सेल की है। डीआई कहीं ना कहीं 7 अक्टूबर को बाइंग की है। मंथली बेसिस पे देखें तो सितंबर में जो 16 करोड़ 14 करोड़ हो रहा था, सितंबर में सिर्फ 6 करोड़ का सेल हुआ, डीआई ने 12000 करोड़ का बाइंग किया है। अगर मैं डेरिवेटिव पे जाके इसको देखने की कोशिश करूँ, 11126 की डेरिवेटिव है, 31 अक्टूबर की एक्सपायरी को देख रहा हूँ और 7 तारीख का है, यहाँ पुट है यहाँ कॉल है। पुट पे अगर 11000 पे जाके एक सपोर्ट की कोशिश करूँ कि 11000 पे इसको सपोर्ट है गैप, तो यहाँ पे आप देखिएगा 27,42,525 का एक 27,42,000 का सपोर्ट है, उसमें 3,12,000 का पोजिशन 11000 पे बना है। और वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे 11100 तक पे पोजीशन पे, इनफैक्ट 11200 पे भी शॉर्ट की पोजीशन बन रही है और 11200 पे भी 3,22,000 का शॉर्ट किया गया है। ये 31 तारीख की एक्सपायरी है और कहीं ना कहीं 11100 पे भी शॉर्ट हो रहा है, इनफैक्ट 11000 पे भी शॉर्ट की पोजीशन बन रही है। तो चाहे कोई टाइम भी थोड़ी दिन के लिए, अभी जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड है और निगेटिव ही पैटर्न दिख रहा है, तो कोई भी 11000 का पुट जो लास्ट ट्रेड पर 139 है, तो आप चाहें तो इसको वॉच कर सकते हैं, ये पुट है। और 11000 का अगर पुट देखें तो 139 है। मंडे को हो सकता है कि ये आपको 100 के आसपास मिले, डीके होके मिले, और अगर पुट की ओर गया तो ऊपर की वैल्यू भी मिल सकती है। तो आप 10900 का भी 106 रुपये पे जो 75 का लॉट होता है, और आप इस पर भी जा करके चेक करें, तो पुट का है 10900 का है, 75 का लॉट है, अभी भी देखें बाइंग 66000 है, चेन्नई ओपन इंटरेस्ट 0.97, 1% ये ज़्यादा नहीं है। और हाई बनाया था 106 का, ओपन हुआ 72 पे, हाई बनाया 110 का, क्लोज हुआ 106 के आसपास, तो आप इसमें भी पोजीशन देख सकते हैं। 75 का लॉट है तो 7500 का पेपर ट्रेड करके चेक कर सकते हैं। तो पुट की और कहीं ना कहीं 11000 की पुट ज़्यादा हो सकता है 11000 टूटे ही नहीं, तो वहाँ पर आपको 11000 का जो पुट है वो ज़्यादा वैल्यू के रूप में दे सकता है। तो 11000 का पुट 139 है, इस पर भी टाइम बिंग के लिए आप वॉच करके चेक करके अपन पेपर ट्रेड कर सकते हैं। मेरी कोई भी बाइंग और सेलिंग सेंड रिकमेंडेशन मार्केट के लिए नहीं है, बट निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बेरिश सिग्नल है अभी थोड़ी टाइम बिंग के लिए, और हो सकता है ये यहाँ पे आपको एक बार 11000 का लेवल आपको दिखे, और 11 तोड़ता है तो 10834 का जो सपोर्ट है वहाँ पर सपोर्ट लेगा और फिर वहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा। और जब 11300 का स्टॉप लॉस लगा लें और 11300 जब आपको क्लोज करता हुआ दिखे, वो जब 11300 का साइट आपको क्लोज करते हुए दिखे, तो आप वहां पे फिर चाहें तो उस पर पोजिशन बना के देख सकते हैं। तो निफ्टी एक वीक सिग्नल है, तोड़ रहा है, हो सकता है ये टूटता हुआ आपको और भी दिखे अभी, और 11000 पे पहला सपोर्ट ले सकता है, वहां नहीं टूटा 10830 पे जाके सपोर्ट ले लेगा।
तो निफ्टी बेरिश सिग्नल के साथ है। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको। कोई भी पेपर ट्रेड कर सकते हैं, पुट 10,900 का या 11,000 का, तो उससे अच्छा है, बेस्ट है 11,000 का। तो 11,000 के पुट को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जो कि 101.39 पे मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 12% है। 401,000 की क्वान्टिटी की बाइंग है इसमें और 76,000 का सेलिंग है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे 75 का लॉट है, तो अच्छी पोजीशन पुट की और बनी हुई है। ऑलरेडी 42 का हाई दिखा है और 42 के हाई के आसपास ही क्लोज दे रहा है, मीन्स स्टिल पुट में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।